आखिर क्यों नहीं हुआ सुपर ओवर मैच टाई होने के बाद? काफी फैंस के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर होना चाहिए था। जानिए इस वीडियो में क्या है आईसीसी का नया नियम T20 और वनडे में। जाएं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुपर ओवर होने के बाद भी कल भारत और श्रीलंका के बीच जो मैच था बहुत ही शानदार मैच था और श्रीलंका ने पहले 230 बनाया था और जवाब में भारत 47 ओवर और 5 गेंद खेलकर 230 ही रन बना पाया और इस तरीके से नतीजा नहीं निकला मैच का, सुपर ओवर भी नहीं हुआ, एक मैच टाई हुआ। फैंस, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नियम है स्पेशली T20 में तो पूरी तरह से लागू है क्योंकि वहां पे रिजल्ट जो है सुपर ओवर में आएगा जरूर अगर मैच टाई होता है, लेकिन ऐसे में जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, वहां पे जब ओडीआई के फॉर्मेट से जब मैच होते हैं तो वहां पर ये नियम लागू होता है एक दिवसीय में भी कि मैच का जो नतीजा है स्पेशली इन नॉकआउट, यानी कि जहां पे आप हारते हैं तो बाहर होते हैं, तो ऐसे मौके पर सुपर ओवर का नियम लागू होता है। आपको याद होगा, आपके ध्यान में होगा एक मैच वर्ल्ड कप, और वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड के सामने और सुपर ओवर में वो फाइनल का मुकाबला हुआ था। एक बहुत ही बड़ा मैच था वो, फाइनल मैच और सुपर ओवर में गया और एक बार नहीं दो बार हुआ था और उस समय काफी क्रिकेट के फैंस जो थे, जो जानकार थे, इस नियम को थोड़ा सा अपवाद स्वरूप बताया गया क्योंकि एक बार जब सुपर ओवर हो गया उसके बाद फिर दोबारा मैच हुआ, वहां पे बाउंड्री काउंट नहीं हुई, यानी चौके छक्के नहीं जोड़े गए, दोबारा जब सुपर ओवर हुआ तो उसमें इंग्लैंड को जीत हासिल मिली। अब तक वनडे में 3 बार सुपर ओवर हो चुके हैं। ऐसे में मैं एक और मैच आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो सुपर ओवर होता तो शायद दृश्य और कुछ होता। 1999 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 213, सेमीफाइनल का मुकाबला था और उस समय आखिरी जोड़ी मैदान पे थी, लांस क्लूजर विकेट पे थे, 213 रन ही बना पाई साउथ अफ्रीका और टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन वहां पर ना तो सुपर ओवर हुआ, केवल बेहतर रन रेट के हिसाब से जो लीग में रन रेट था वो ऑस्ट्रेलिया का बेहतर था और इस तरीके से वो फाइनल में पहुंच गए। तो ऐसे में सवाल उठता है फैंस के दिमाग में कि सुपर ओवर होना चाहिए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन वनडे में जब नॉकआउट के मैचेस का परिणाम आना हो, और ये तभी होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है जरूर हमें बताइएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके।